वाले भाग को आलू के भाग को हम निकाल
ठीक है, तो अंगूर बीजों को खाने के काम में ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। फिर उसके बाद में इस चैप्टर में कहा कि एक बीज के अंकुरण के लिए किस किस चीज़ों की जरूरत होती है। एक बीज के अंकुरण के लिए हमको पानी की जरूरत होती है। जब पानी मिलता है बीज को तब तो अंकुर अंकुरण होता है। तो पानी के बाद पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश। पानी, हवा और सूर्य का प्रकाश जब बीज को मिलता है तभी बीज का अंकुरण संभव हो पाता है। तो ये चीज़ें जो अंकुरण के लिए आवश्यक होती है, ज़रूरी होती है। समझ में आया आपको इतना? अब इस चैप्टर में दो टॉपिक अभी और है, आपके एग्ज़ाम जो है वो 19 को लास्ट में, और ये तीन ही चैप्टर आ रहे हैं, 4-5 तो हो चुका, 6-6 मैंने आपको एक टॉपिक समझा दिया था अंकुरण। अभी इस चैप्टर में दो टॉपिक अभी आपके और है, बीजों का इधर उधर फैलना और विदेशों से आए पौधे। ये दो टॉपिक और हैं, इन दो टॉपिक्स को मैं आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें बताऊंगी। आज सिर्फ आप इतना याद कीजिएगा कि अंकुरण क्या, बीज कौन से पौधों में बीजों द्वारा अंकुरण होता है। तो आम, अंगूर, सेब, नीम, इनमें बीजों द्वारा अंकुरण होता है। क्या बिना बीजों के भी अंकुरण हो सकता है? हाँ, पौधे के तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा भी अंकुरण संभव है। अंकुरण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? अंकुरण के लिए जल यानी कि पानी, हवा और सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। तो आज अंकुरण वाला आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में प्रकीर्णन पढ़ेंगे हम। प्रकीर्णन यानी बीजों का इधर उधर फैलना और विदेशों से आए पौधे। ये तीन चैप्टर आप अच्छे से याद करना, चैप्टर नंबर 4, 5 और 6। आगे का जो रिविजन है